नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सारे सारे सब्जेक्ट्स, कौन कौन से आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं, उनमें क्या क्या पढ़ने वाले हो, एंड इसके अलावा आप लोगों के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होने वाली है उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। शुरू करते इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट लॉस के। तो जूनियर्स, मैंने पहले ही आईपी यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट सिलेबस पे एक वीडियो निकाल दी है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर रखा है। सो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने पूरा सिलेबस बीकॉम ऑनर्स का बता रखा है लेटेस्ट वाला। अभी हम लोग फिलहाल बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस की। वैसे तो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आप लोगों को चेंज नहीं करा गया है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहले सिलेबस हुआ करता था ऑलमोस्ट सेम सा ही सिलेबस इस बार भी दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स के अंदर आप लोगों के टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आप लोगों को सारे के सारे 8 सब्जेक्ट्स के अंदर याद नहीं करना होगा या फिर 8 सब्जेक्ट्स को करना नहीं होगा या आप लोगों को 8 सब्जेक्ट्स का थ्योरी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। इसमें सिर्फ ऑलमोस्ट आप लोगों के 5 एग्जाम्स होंगे जिनका आप लोगों को रिटन एग्जाम देना पड़ेगा आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों को पूरा क्लास 11th की अकाउंटिंग पे बेस्ड है। तो अगर आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर कॉमर्स ली थी और आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी थी, मतलब अभी तक आप लोगों को अगर याद है कि आपने क्या क्या पढ़ा था, मतलब हाँ आप लोगों को वही सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, वो बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएगी यहाँ पे क्लास 11th से रिलेटेड, जो कि होगी आप लोगों की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। इसके अंदर आप लोगों की बेस्ट बुक होगी महेश्वरी ऑथर की। नेक्स्ट आप लोगों का सब्जेक्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आप लोगों ने जो क्लास 11th के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ऑलमोस्ट वैसे ही आने वाली है, जिसके अंदर आप लोग डिमांड सप्लाई बहुत सारी चीजें और भी पढ़ने वाले हो, बट इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी बहुत एडवांस थ्योरीज वगैरह भी करवाई जाएगी जो आप लोगों की क्लास 11th के सिलेबस में हटा दी जाती है, उस चीज को आप लोगों को यहां पे करवाया जाएगा। और अगर आप लोगों को बेस्ट बुक देखनी है तो वो है आप लोगों की रॉबर्ट एंड डैनियल की। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों का क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर कॉमर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं QTFC। ये जो सब्जेक्ट आप लोगों का नाम देखने में आप लोगों को काफी अजीब सा लगता है, बट इस सब्जेक्ट के जब आप सिलेबस देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो जिन भी बच्चों ने क्लास 11th 12th के अंदर मैथ्स पढ़ी होगी उनके लिए सब्जेक्ट काफी ज्यादा आसान होने वाला है। लेकिन अगर आप लोगों ने क्लास 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़े तो भी डरने की कोई बात नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को जितनी भी चीजें हैं उसमें से काफी सारे, मतलब वहाँ पर आपको टॉपिक दिख जाएंगे सिलेबस के अंदर, सो टॉपिक वाइज आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं अपने क्लास टीचर्स से या फिर जो भी आप लोग सब्जेक्ट टीचर होंगे, सब्जेक्ट प्रोफेसर होंगे, उनसे आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछ सकते हैं एग्जाम के लिए। वरना आप लोग मेरी वीडियोस को भी देख सकते हैं, मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है QTFC सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक्सटर्नल एग्जाम्स के लिए और इंटरनल के लिए, तो आप लोग टीचर से पूछ ही सकते हो। और बेस्ट बुक होगी सब्जेक्ट के लिए वो रहा उतर की। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों को मैनेजमेंट प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। पहले ही सब्जेक्ट का नाम हुआ करता था MPOB, मतलब लास्ट में जहां पे आप लोगों का पी आ रहा है वहां पे आता था BB का मतलब होता था बिजनेस। सो यहां पे बिजनेस को हटा के साइकोलॉजी कर दिया, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस इसका सेम ही है तो आप लोग कवर कर सकते हैं इसको मेरी प्लेलिस्ट से। मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट डाल रखी है MPOB के नाम से, तो MPOB के नाम से जो प्लेलिस्ट आप उसको पूरा देख सकते हैं, वहां पर मैंने सारी की सारी यूनिट्स और सारी सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवा रखे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये सब्जेक्ट आप लोगों को मेनली बिजनेस कम्युनिकेशन पर डेडिकेटेड है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला इसके अंदर ज्यादा चीजें नहीं है। सो कम्युनिकेशन नहीं, बस इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले इसका नाम बिजनेस कम्युनिकेशन हुआ करता था। सो बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर भी मैंने एक पूरी पूरी सीरीज डाली हुई है, प्लेलिस्ट डाली हुई है, सो आप लोग बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज को भी देख सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। अब बात करते हैं हम लोग हमारे बाकी 3 सब्जेक्ट की, जिसमें से आता है आप लोगों का सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ये आप लोगों का NUS सब्जेक्ट है, मतलब आप लोगों का नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप लोगों को कोई भी एग्जाम नहीं होगा तो पढ़ने की टेंशन नहीं लेनी है। सेकंड सब्जेक्ट आप लोगों का कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर कॉमर्स। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को पूरा पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक आप लोगों को पढ़ाया जाता है, तो इसके अंदर भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोगों का लैब बेस्ड है। थर्ड सब्जेक्ट आता है आप लोगों का इंडियन नॉलेज सिस्टम और इसके अलावा आप लोगों का MOOC कोर्सेस। सो इंडियन नॉलेज सिस्टम तो नया सी चीज है तो मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं है कि इसके अंदर आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, लेकिन हाँ इसके अंदर आप लोगों को कोई रिटन एग्जाम मेरे को लगता है कि नहीं होने वाला है। दूसरा आप लोगों को ऑप्शन दे रखा है यहां पे MOOC कोर्सेज का। सो MOOC कोर्सेज ज्यादातर कॉलेजेस करवाएंगे क्योंकि 2-3 साल पहले से आया हुआ है और टीचर्स को अब इसकी नॉलेज हो चुकी है। MOOC कोर्सेज आप लोगों के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जिसको आप लोगों को करना होगा, इसका आप लोगों को ऑनलाइन ही एग्जाम देना पड़ता है एक सेंटर पे जाके। सो इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। MOOC कोर्सेज क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली हुई है, सो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो जूनियर्स, ये था आप लोगों को पूरा का पूरा बीकॉम ऑनर्स आईपी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का सिलेबस और सारी सारी मैंने आप लोगों को बेस्ट ऑथर्स या फिर प्लेलिस्ट वगैरह सब बता दी है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी के लिए इतना ही, धन्यवाद।